को समझते हैं, लेकिन दरअसल प्रैक्टिकल होता क्या है, फील्ड में क्या होता है, फील्ड में होता क्या है, ये हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, खास करके ये जो लॉकडाउन का जो देखा मैंने, इसमें हमने मीडिया के जो मंझे हुए पत्रकार थे, बड़े बड़े नामी पत्रकार थे, जो प्रिंट से लगा करके हमने वेब और टेलीविजन खास करके, और यहाँ तक कि हमने कमल शर्मा सर को तो प्रत्यक्ष रूप से उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है, हमें मीडिया की फील्ड पे जो चुनौतियां है और अवसर है, उन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से हमें समझने का अवसर मिला है, ताकि हमें ये भ्रम ना हो कि क्लासरूम की पत्रकारिता और फील्ड की पत्रकारिता में अंतर, हमें जब हम कार्य क्षेत्र में उतरे तभी हमें इसका सामना करना पड़े। हम इतने सर सर के मार्गदर्शन में, आदरणीय मनीष सर के मार्गदर्शन में, हमें इतना तो जानकारी हो गई है कि आखिर में फील्ड पे कार्य किया कैसे जाता है, और सर के नेतृत्व में और सर के आशीर्वाद से दैनिक भास्कर में जो चयन हुआ है, तब इतनी बड़ी जो हमें जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो लगता है कि हमें ये कहीं ना कहीं हमने कॉलेज में ही काम कर लिया था, अप्रैल और इतनी चुनौतियां भी आई हैं। मुझे रोकना पड़ेगा। हमारे बीच में पुष्पेंद्र पाल सर ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है सर आपकी आवाज। चलो, कैसे हो? सब ठीक है? जी सर, सब बढ़िया सर। सर हम लोग बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, चांसलर सर जुड़ने वाले हैं हमसे। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में चांसलर सर जुड़ चुके हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी, सभी प्रतिभागियों को मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जैसल है। मैं इन दिनों जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एज अ हेड कार्यरत हूँ। आज जब हम इस कोविड सिचुएशन में जिस तरीके के माहौल में जी रहे हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने है, ऐसे में पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, इसको कैसे संभाला जा सके, कैसे इसमें बेहतर
आयाम निर्धारित किए जाएं, इसका इसका जो पूरा आयोजन है, ये मंदसौर विश्वविद्यालय का पूरा परिवार इस पर काम कर रहा है। और इसी कड़ी में आज हमने हमारी 50वां वेबिनार है, जिसमें हमने हमारे आज के सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन, एमिनेंट पर्सनालिटी और हमारे अभिभावक कुलाधिपति महोदय श्री नरेंद्र नाहटा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं एज स्पीकर के तौर पर। दूसरे आज के हमारे जो स्पीकर हैं पुष्पेन पाल सर हैं। हमने पुष्पेन सर के साथ में पहले भी एक वेबिनार किया था, जिसमें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से वेबिनार था, उन्होंने पब्लिक रिलेशन को लेकर के हमारे साथ में, हमारे छात्रों के साथ में साझा किया था। आज हमने जो वेबिनार का आयोजन किया है, इसका मुख्य विषय है न्यू मीडिया और पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ। ये ऐसा समय है जिस समय न्यू मीडिया का जो चलन है लगातार बढ़ रहा है, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमारे बीच में, हमारे आसपास देखने को मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमें संविधान से जो अधिकार हमें मिला है आर्टिकल 19 का, उसका जो सबसे उपयुक्त माध्यम माना जा रहा है इन दिनों, वो है सोशल मीडिया, या कहें न्यू मीडिया। और उस समय में क्या इस सोशल मीडिया के जरिए, क्या इस न्यू मीडिया के जरिए, क्या पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ की बात की जा सकती है, क्या जो कंटेंट कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो साझा किया जा रहा है आपस में, क्या वो सही है, क्या उसकी सही जानकारी आप तक पहुंच रही है? क्योंकि लगातार एक आंकड़ा बताता है कि लगभग हर 40 मिनट में फेसबुक पर एक रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि ये पोस्ट जो है, ये जो शेयर किया गया कंटेंट है वो फेक है। तो ऐसे में इस पूरे, जब मैं कार्यक्रम की भूमिका बना रहा था तो हमने सोचा कि हमें किन्हें बुलाना चाहिए, तो हमारे सामने दो बड़े नाम आते हैं। पहला नाम श्री नरेंद्र नाहटा सर का है, जो लगातार फेसबुक पर लिख रहे हैं और अपनी बात को लगातार इस समय साझा कर रहे हैं, और एक देश के बड़े शिक्षाविद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी को वो निर्वहन भी कर रहे हैं कि कैसे उस कंटेंट को आसपास के लोगों तक पहुंचाया जाए और लैंग्वेज भी हिंदी रखी जाए। तो सर का फेसबुक अगर देखिए तो इस पूरे मालवा के अंचल की छोटी से छोटी जानकारी, और उसको कभी कभी शायरी में कहना, कभी कभी उसको अपने अंदाज में कहना, वो बड़ा पसंद आता है। और दूसरे जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो अतिथि वक्ता हैं, पुष्पेन पाल सर हैं। जब मैंने सर से बताया कि आपके साथ में मंच साझा करेंगे हमारे कुलाधिपति महोदय, तो उन्होंने कहा कि जब सर कभी मंत्री हुआ करते थे तब मैं उनसे मिला था। तो मैंने कहा कि आप दोनों का जो जो एक पूरा समागम होगा इस मंच पर होगा, तो सबसे पहले मैं इन्वाइट कर रहा हूँ पुष्पेन पाल सर को। सर इस व्याख्यान को शुरू करें और हमारे जो प्रतिभागी जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, उनको न्यू मीडिया और पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ पर अपना एक व्याख्यान दें। धन्यवाद मनीष, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों तक? जी सर, आ रही है सर आवाज। हाँ धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं मंदसौर यूनिवर्सिटी को, मंदसौर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को, और मंदसौर यूनिवर्सिटी के चांसलर आदरणीय नाहटा साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के दौर में मीडिया को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, और ख़ासतौर से जो आज जिस तरह की मीडिया की स्थितियां हैं उसमें मीडिया लिटरेसी की जो बात बहुत जोर शोर से लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिस पर एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मुझे लगता है कि आज ये आवश्यकता अपने पीक पर पहुँचती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि मीडिया को किस तरह से लोग समझें और मीडिया के जो अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग जो एंगल्स हैं, उनको एक समझने की, उनको अंडरस्टैंडिंग की एक जो है, एक जो कैपेसिटी लोगों में होनी चाहिए, उसकी जो एक बहुत आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। तो ये बहुत समसामयिक विषय है और आज की बहुत एक तात्कालिक आवश्यकता है जिस पर बातचीत होनी चाहिए थी। इस विषय को चुना इसके लिए निश्चित रूप से मंदसौर यूनिवर्सिटी और उसका जर्नलिज्म डिपार्टमेंट और चांसलर जी और HOD सभी उसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक आदरणीय नाहटा जी की बात है कि जब मनीष ने मुझे बताया कि हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर आदरणीय नाहटा साहब जो है वो इसमें इस पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ पर बात करेंगे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए एक पुराना दौर याद होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब कभी मध्य प्रदेश शासन में जनशक्ति नियोजन मंत्री आदरणीय नाहटा साहब हुआ करते थे, उस समय टेक्निकल एजुकेशन
को ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी आपके पास हुआ करती थी, और उस समय बहुत सारे नए प्रयोग और बहुत सारे नए कार्यक्रम आपने चलाए थे, और जिससे कि काफी टेक्निकल एजुकेशन में और ओवरऑल टेक्निकल एजुकेशन ही मैं क्यों कहूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे थे, जो ऐसा कार्य क्षेत्र था जो कि उस समय टेक्निकल स्कूल हुआ करते थे, जिसमें 9th 10th 11th में टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी। तो एक तरह से स्कूल से उन टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत होती थी, उनमें काफी सुधार के प्रयास लगातार आपके द्वारा किए गए थे। उस समय से मैं आपसे परिचित होने का मौका मिला, हालांकि मैं उस समय तो काफी युवा अवस्था में था, आपकी और मेरी उम्र में काफी अंतर है, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली को बहुत नजदीक से देखने और समझने का मौका, उसके बाद लगातार आपसे कहीं ना कहीं आपकी गतिविधियों से परिचित होता रहा, और जब मुझे पता चला कि आपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो मुझे लगा ये आप जैसे व्यक्ति से ही ये उम्मीद की जा सकती थी कि जो एजुकेशन को शुरू से अपने राजनीतिक जीवन से जो है वो बेहतर बनाने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता रहा है, और शायद उसकी अपनी एक दृष्टि है, उसका एक विजन है, सोच है, और कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद उन्होंने सोचा कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तो निश्चित रूप से वो आपसे ही उम्मीद किया सकती और आपके ही मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश पर वो एक अच्छा विश्वविद्यालय होगा, और मालवा अंचल में मुझे लगता है कि एजुकेशन को एक नई दिशा आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है, और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जिन तथ्यों को, जिन सच्चाइयों को आप अपने दृष्टिकोण से रख रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। तो मुझे आज बड़ी खुशी है, और बहुत दिनों के बाद एक बार आपके साथ बातचीत करने और विमर्श का मौका मिल रहा है, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और मुझे अच्छा लगेगा, आपको सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके अपने अनुभव हैं, और आपने जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं, तो आपने तो ट्रुथ की पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, और आपने तो पूरी पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना दौर था, जिस समय बहुत सारी जो हम मर्यादाओं की बात करते थे, आचार संहिताओं की बात करते थे, और बहुत सारे ऐसे थे मापदंड थे, हमारी परंपराएं थी, राजनीतिक परंपराएं, जिनका निर्वहन बहुत सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता था। आज आप अपने सामने ही उनको कई बार टूटते और बिखरते हुए देख रहे होंगे, आपको भी उसका दुख और उसकी परेशानी आपको महसूस होती होगी, तो वो भी एक कहीं थोड़ा बहुत उसका भी स्पर्श हमें आज उन अनुभवों का भी मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बातचीत जो हम शुरू करते हैं, कि निश्चित रूप से जो न्यू मीडिया और पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ की हम बात करते हैं, तो बात तो हम वर्षों से करते आए हैं, और वर्षों से हम ये कहते आए कि मीडिया और पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ, इसकी भी बात हम करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज न्यू मीडिया और पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ विषय को इसलिए शायद चुना गया, क्योंकि जब ट्रुथ की बात करती है और चर्चा चलती है, तो ट्रुथ की बात करने का ही मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि जब उस पर सवालिया निशान लगा होता है, जब भी हम सत्य की मांग करते हैं, सत्य का हम आग्रह करते हैं, और गांधी जी जिस तरह से उन्होंने कहा था, सत्याग्रह की बात किया करते थे, कि जो है वो सत्य के लिए आग्रह करते थे, और शायद जब ट्रुथ की बात होती है, तो शायद वही आग्रह हमारा होता है कि कहीं हमें कुछ उस पर सच पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सच में कुछ संशय हमें दिखाई दे रहा है। वो संशय हमेशा से मीडिया की शुरुआत से ही, जब से मीडिया का जन्म हुआ है, तब से हमें जो ट्रुथ के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये हमें देखने को मिली है, लेकिन आज इसकी चर्चा शायद इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि सोशल मीडिया ने जिस तरह से सत्य को अलग अलग स्वरूपों में दिखाने की कोशिश की है, और उसमें जिस तरह के बहुत सारे मैनिपुलेशन हुए हैं, और जिस तरह से हम के आज फेक न्यूज की हम बात करने लगे हैं, जिस मिस इन्फॉर्मेशन की बात करने लगे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की जिस तरह से स्पीड है, जिस तरह से गति है उसकी, जिस तरह से रीच लोगों तक है, जो और जिस जो तुरंत एक वर्ल्ड वाइड, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिस तेज गति से पहुंचती है और जिस तेज गति से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, उसकी वजह से आज हमको चिंता इस बात की होने लगी है कि अगर सत्य सामने नहीं आएगा और असत्य लोगों के सामने आएगा, तो शायद कहीं ना कहीं जो समाज में उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो कहीं ना कहीं उसकी जो बुराइयां हैं, जो समाज में दिखाई देंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमने न्यू मीडिया को इसलिए चुना है, इसलिए मीडिया की बजाय हमने न्यू मीडिया पर बात करना ज्यादा जरूरी समझा है, क्योंकि मैं कहूं कि अगर सच्चाई के साथ एक तरह का जो मैनुपलेशन है
वो मीडिया में तो बहुत प्रारंभिक दौर से हो सकता है। अगर हम आज से 100-150 वर्ष पहले जाएं तो अमेरिका में येलो जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी। येलो जर्नलिज्म में हम कहते थे कि जो एक एक तरह का सेंसेशन पैदा किया जाता है, सेंसेशनल जर्नलिज्म है, वो भी एक तरह का जो है किस तरह से तथ्यों को तोड़ मड़ों के प्रस्तुत करना है, किस तरह से तथ्यों के आधार पर भ्रम पैदा करना है या एक संशय में लोगों को रखकर आगे बढ़ना है, वो सारी बातें येलो जर्नलिज्म में थी। उसका रूप स्वरूप बदलता रहा। येलो जर्नलिज्म हम पहले कहते थे, हम उसको फिर हमने कहा कि सेंसेशनल जर्नलिज्म, उसको धीरे धीरे हम कहने लगे। बाद में हम उसको आगे आए तो कभी उसको फेक न्यूज, कभी पेड न्यूज के रूप में हम देखने लगे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन इस रूप में देखने लगे। और आज हम उसको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि आज इसकी मात्रा सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कई बार हम कहते हैं कि इसको जो एक तरह से, जो पहले हमें इसको कहा जाता था कि प्लांटेड न्यूज, लेकिन आज तो बहुत जानबूझकर जिस तरह का असत्य परोसा जा रहा है, ये निश्चित रूप से सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आज चिंता का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से समाज में कई बार बहुत सारी कठिनाइयां, क्योंकि समाज में देखिए सच्चाई को लेकर जो हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स होना है, उसकी राजनीति करना, या सच्चाई को आधार बनाकर कुछ ऐसा अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना जो कि वो सत्य पूरा नहीं होता है, आंशिक सत्य होता है, या कई बार वो सत्य दिखाई देता है लेकिन वो भ्रामक सत्य होता है, और उस तरह की चीजें हमारे इतिहास में, हमारे वेद पुराण में और लंबे समय से हमें मिलती रही हैं। अगर हम उनकी बात करें तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो महाभारत काल में ये पूरी एक घटना है जो सबको मालूम है, सब लोग इससे वाकिफ हैं, जिसमें जो है द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से जो है पूछा था और अश्वत्थामा के बारे में, उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, यानी कि अश्वत्थामा की मौत हुई है और वो नर है या हाथी मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर द्रोणाचार्य को पता चल जाएगा कि अश्वत्थामा की मौत हो गई है तो वो हथियार डाल देंगे, लेकिन ये सच नहीं था कि, क्योंकि वो अश्वत्थामा जो मारा गया था वो हाथी था, न कि वो कोई व्यक्ति था, इसलिए, लेकिन उसको सत्य को इस तरह से परोसा गया कि उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा की मौत हुई है और वो नर था या हाथी था या पता नहीं। और उसी समय श्री कृष्ण ने शंख फूका जब युधिष्ठिर ये बता रहे थे, तो वो ठीक संग से सुन भी नहीं पाए और द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। और इस घटना को, इसको बहुत अच्छे ढंग से जो राजीव बालकृष्णन की जो पुस्तक है डेथ सीकिंग इमोर्टल, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को किया है कि किस तरह से सत्य को एक तरह से युद्ध में हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हम आज पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ की जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक सत्य को एक आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया और एक पूरा युद्ध जीत लिया गया या युद्ध को पूरा प्रभावित किया गया। और हमारे इतिहास में अगर हम बात करें तो एक विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है, क्योंकि तो उन्होंने एक बार कहा था कि युद्ध के समय में सच इतना कीमती होता है कि उसे झूठ की चादर में छिपाना पड़ता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सच और झूठ का क्या आपस में संबंध है। और युद्ध के दौरान जब हम बात कर रहे हैं, विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि जो है सच को जो है झूठ की चादर में छिपाना पड़ता है, यानी सच बोलना भी जरूरी है लेकिन उस सच को झूठ की चादर में छिपा कर बोलते हैं, जिससे कि आप अपने स्वार्थों को सिद्ध कर सके या वांछित जो परिणाम है या जो जो रिजल्ट है वो आप हासिल कर सकें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको एक तरह से सत्य की तरह परोसा गया, लेकिन वो सत्य नहीं थे, लेकिन उससे भ्रम पैदा कर एक अपना एक स्वार्थ सिद्ध किया गया या युद्ध को जीता गया। और युद्ध में अगर आपको याद होगा, दूसरे विश्व युद्ध में जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा या जो इतिहास से परिचित होंगे कि जो ऑपरेशन जो मिंस मीट था, उस मिंस मीट में जो है नाजियों को जो है मजबूर कर दिया गया था कि वो ये समझें कि जो है जो हमला है वो सिसली पर नहीं हो रहा है, वो सार्डिनिया या ग्रीस पर वो हमला हो रहा है। और उनको ये भ्रम पैदा करने के लिए स्पेन के नज़दीक एक व्यक्ति को फौजी की पोशाक पहनाकर और उसके हाथ में कुछ झूठे गुप्त दस्तावेज देकर उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंका गया, और उससे जो है ये माना गया कि जो झूठे जो गुप्त दस्तावेज हैं वो जर्मनी की खुफिया एजेंसी तक पहुंचेंगे और लोग उसके आधार पर अंदाज लगाएंगे
कि जो हमला है सार्डिनिया ग्रीस पर हो रहा है, लेकिन वो सिसली के बजाय वहां किया जा रहा है, और उससे उन्होंने सिसली पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे, जिनको हम कहें कि वैदिक ग्रंथों में, जिनको हम कहें हमारी इतिहास की घटनाओं में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं, जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सत्य को पूरी तरह से भ्रम के रूप में लोगों के सामने रखा गया और किस तरह से अपने वांछित परिणाम प्राप्त किए गए। और आज जब हम सत्य की बात करते हैं, तो आज जिस तरह का हमारा मीडिया है, आज मीडिया में जिस तरह की, खास तौर से हम टेलीविजन में देखते हैं, अखबारों में हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, सभी पर अब आज हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से बातों को आंशिक रूप से सत्यता के नजदीक दिखाकर परोसा जाता है, उससे एक जनता में एक भ्रम पैदा होता है। और खास तौर से हम कहते हैं कि जिस तरह का ओपिनियन सोशल मीडिया के माध्यम से बनाने की कोशिश की जाती है, कई बार आपको ये भी देखने को मिला है कि एक ओपिनियन जो बनाने की कोशिश की जाती है, ओपिनियन के वो बनने के बजाय एक डिफरेंट परस्पेक्शन, एक परसेप्शन जो है तैयार पब्लिक ओपिनियन के रूप में होता है। और कई बार आप देखेंगे कि चुनावों में जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, और खासतौर से अब पिछले कुछ चुनावों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और उसमें जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। और जब हम इसकी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए हमारे पास अमेरिका के जो दो चुनाव हैं, 2016 का चुनाव था, फिर उसके बाद हाल ही में जो अमेरिका के जो चुनाव हुए, राष्ट्रपति के चुनाव, उनमें किस तरह से कहा गया कि एक जो 2016 में किस तरह से ट्रंप के बारे में एक जो असत्य था उनके फेवर में, असत्य था उसको असत्य बनाकर उनके फेवर में प्रस्तुत किया गया, और उसको जो है हजारों लोगों ने उसको रीट्वीट किया, हजारों लोगों के माध्यम से वो पहुंचा, और उसके माध्यम से वो चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की उम्मीद की जाती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं मीडिया के, उनका कहना है कि ये एक तरह से इस तरह के जो कुछ ट्वीट थे जो कि फेवर में थे लेकिन वो असत्य थे, और कुछ समय के लिए लोगों ने उसको सत्य मानकर उसके अनुरूप अपना व्यवहार किया, और उसकी वजह से परिणामों पर उसका असर देखने को मिला। ये दोनों ही अमेरिका के दोनों चुनावों में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं। और कोरिया में जिस तरह से हम वहाँ के एक तानाशाह को देखते हैं, वहाँ की जिस तरह से बातें आ रही, जिस तरह से उसने मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है, जिस तरह से मीडिया के माध्यम से वो उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचा रहा है जो कि शायद वो सत्य के नजदीक नहीं है, लेकिन लोगों को सत्य दिखाई देती हैं, और उससे वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कई काफी हद तक सफल हो पा रहा है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, इन चीजों का पूरा विश्लेषण करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो मीडिया है, वो मीडिया और खासतौर से जो सोशल मीडिया है, उसने इन सत्य लोगों को एक तरह से मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन, या जिसको कहें मिस इन्फॉर्मेशन, या जिसको कहें डिस इन्फॉर्मेशन, वो जिस तेजी से सोशल मीडिया के माध्यम से, खासतौर से अगर एक कदम और आगे बढ़े तो पॉलिटिक्स में, या जो चुनावों के समय में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे आगे बढ़े तो पैंडेमिक में उसमें चरम देखने को मिला। जो कोरोना पैंडेमिक के समय हमें जिस तरह का मीडिया का व्यवहार दिखा, और जितनी फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से पैंडेमिक के दौरान हमें दिखाई दी, चाहे वो कोरोना कहाँ पैदा हुआ, कोरोना का जन्म शुरुआत कहाँ से हुई, चाहे कोरोना के इलाज को लेकर हो, चाहे कोरोना को लेकर उसके जो जो व्यवस्थाएं हैं, जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो उसके जो लॉकडाउन के दौरान जो की गई व्यवस्थाएं थी उनको लेकर हमें लगातार इस तरह की चीजें मिली। जिस तरह से कि आप देखेंगे कि कोरोना की पहली लहर के दौरान वहां एक खबर फैल गई कि जो है आज से ट्रेन चालू हो रही है, और बॉम्बे में वीटी में हजारों लोग जो है वहां पहुंच गए, इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से असुविधा पैदा हुई। इसी तरह से आप देखेंगे दिल्ली में आनंद नगर में हजारों लोगों की भीड़ वहाँ बस स्टेशन पर इकट्ठी हो गई, प्रवासी मजदूरों को लेकर तरह तरह की फेक न्यूज और गलत जानकारियां आई, उस तरह से तो कई बार कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि एक लंबी श्रृंखला इसकी चली आ रही है, जिस तरह से जो है सत्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सत्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है या मैनिपुलेटेड ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो एक समय चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर लोगों को आज अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, और खासतौर से जो हमारे यूजर्स हैं, मीडिया यूजर्स हैं, अब चाहे उनको दर्शक, पाठक, श्रोतक, श्रोता किसी भी रूप में हम कहें, किसी भी रूप में उनको देखें हम, तो हमें उनको एक एक एक, एक लिटरेट करना बहुत जरूरी है, उनको एक अवेयर करना बहुत जरूरी है कि वो उसको सच को समझें, सच को जानने की क्षमता विकसित करें।
क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तेजी से एक भ्रामक या झूठी खबर फैलती है, लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और वो लोगों तक पहुंचती है, उतनी तेजी से एक सत्य जो सूचना है वो उतनी तेजी से नहीं पहुंचती या उतनी तेजी से नहीं फैलती है लोगों के पास। तो ये एक चिंता का विषय था और एक शोध का विषय था कि आखिर क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइकोलॉजी ऐसी है जो फेक न्यूज के साथ जो साइकोलॉजी काम करती है, वो साइकोलॉजी एक इस तरह की साइकोलॉजी है कि लोगों को कई बार उसमें एक आनंद आता है, लोगों को कई बार उसमें आश्चर्य लगता है, कई बार उसमें नयापन और अनूठापन लगता है। तो इस तरह से वो उसको एक जिम्मेदारी का भाव लिए बिना और कुछ तरह से सोचते हुए कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं, शायद लोगों को ये लगे कि हमने कुछ नया किया, हमने कुछ अनूठा किया, हमने कोई नए तरह की अलग तरह की जानकारी दी। कई बार हम उसको मजाक मजाक में, कई बार हम उसको केवल एक अपनी एक पब्लिसिटी के लिए उसको आगे बढ़ा देते हैं और उसके दुष्परिणामों से हम अनजान रहते हैं या उसकी चिंता हम कई बार नहीं करते हैं या उसकी जिम्मेदारी हम लोग महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कठिनाइयां पैदा होती हैं। और अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, तो दो चीजें भी और भी इंपॉर्टेंट है कि एक दो टर्म है यूज करते हैं हम, जब हम ट्रुथ के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया में या न्यू मीडिया में, तो हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। इन दोनों के अंतर को भी हमें कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। जब हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कई बार वो जाने अनजाने में भी होता है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन में ये मिस हो गया, यानी कि हम भ्रम में थे, हम कंफ्यूजन में थे, हम उसको समझ नहीं पाए कि इसमें सत्यता कितनी है, इसमें असत्यता कितनी है, उसको हम समझ नहीं पाए और उसकी वजह से हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया या हमने उसको आगे बढ़ा दिया। और उसमें हमसे कई बार हमारी याददाश्त कमजोर होती है, कई बार हम उसको अपने कैपेसिटी हमारी नहीं होती कि हम उसको टेस्ट कर पाएं या उसको समझ पाएं, उसकी वजह से कई बार वो दिक्कत होती है। तो वहां आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमताएं और कई बार आपका मिसिंग कोई भूल जाना या कई बार उसको उस तरह से चेक नहीं कर पाना, इसकी वजह से कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है और वो गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन जब हम डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डिस इन्फॉर्मेशन तो हम कहते हैं कि वो पूरी तरह मैनिपुलेटेड है, पूरी तरह जानबूझ कर किया गया काम है, पूरी तरह प्लान, जो आज हमें कई बार जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, जो राजनीतिक जो पोस्ट हैं, राजनीतिक जो सूचनाएं हैं, राजनीतिक जो खबरें हैं, उनको जिस ढंग से कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं या विभिन्न राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने पक्ष में उसको या उसको एक वातावरण बनाने के लिए वो जानबूझकर जो तोड़ मलोड़ कर तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, वो ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, हम जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपा रहे हैं और कुछ तथ्यों को हम सामने ला रहे हैं, या हम उन तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण हमारा जो अलग है, उस अलग दृष्टिकोण से हम चीजों को रखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग डिफरेंट परसेप्शन हम तैयार करना चाहते हैं। इस अंतर को भी हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। और आज जो जरूरी है कि हमें ये क्षमता विकसित करनी होगी अपने समाज के लोगों के बीच में कि वो इस तरह की खबरों को जांच पाए। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो फैक्ट चेकिंग और इनको जो है आज प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ये सब जो टेक्निकल टूल्स हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अपनी जिम्मेदारी, कि हम कितनी जिम्मेदारी से उन इंफॉर्मेशन के बारे में समझ पाते हैं कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, समाज इसको किस ढंग से लेगा, समाज में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। कई बार आप देखते हैं मॉर्फिंग हो रही है, कई बार मैनिपुलेटेड ढंग से कोई वीडियो डाल दिया जाता है और एक वीडियो जो है वो किस तरह से दंगों को अंजाम देता है, किस तरह से दंगे भड़क जाते हैं, किस तरह से समाज में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, जब इस तरह के जो वीडियो, कई बार लोग मैनिपुलेटेड ढंग से कोई दूसरे स्थान का वीडियो इस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं कि ये इसी स्थान का और यहाँ पर ये घटना हुई है, और जहां पर कोई उस तरह की चर्चा नहीं है, कोई उस तरह का विचार नहीं है, और वहां पर वो घटना नहीं होते हुए भी वहां उसको मोटिवेशन मिलता है और लोग भड़क जाते हैं और लोग उसको उसमें कभी कई बार जाति दंगे होते हैं, कई बार धार्मिक दंगे होते हैं, कई बार दो तरह के दो अलग अलग गुटों में संघर्ष हो जाता है, और जिससे समाज में उसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है और कई लोगों को जान माल से हाथ धोना होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, और समाज में जो एक समरसता है, समाज में जो एकजुटता है, और वो कहीं ना कहीं हमें खत्म होती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि आज जो जिस तरह से
सत्य को लेकर तरह तरह के भ्रामक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसको हमें कहीं समझ, क्योंकि आज हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की हमें बात करना है, आज हमें डेमोक्रेसी की रक्षा की हमें बात करना है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, इस लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है तो यहाँ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा बहुत आवश्यक है। और जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं तो हम एक ऐसे समरस समाज की बात करते हैं जहाँ हमें एक समरसता दिखाई दे, सभी के बीच में समान आदर भाव, सभी के बीच में एक समान सम्मान, एक मानव की गरिमा जिसको हम बात करें, मानवीय गरिमा की हम बात करें, इस गरिमा की कई बार हम जब इस तरह की भ्रामक खबरें देते हैं तो हम मानव की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। कई बार हम किसी समाज को, कभी किसी वर्ग को, कभी किसी क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, और वो जाने अनजाने में, क्योंकि हम उनको असत्य ढंग से या आंशिक रूप से हम उनको प्रस्तुत करते हैं, तो जो कि बहुत ही चिंता का विषय कहीं ना कहीं है। तो आज लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, समाज की एकजुटता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम सत्य के महत्व को समझें, सत्य की आवश्यकता को समझें, और किस तरह से हम एक समग्र सत्य लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से जांचा परखा गया हो, जो कि सभी दृष्टियों से देखा गया हो। क्योंकि देखिए, सूचना के संबंध में कहा जाता है, हम लोग मीडिया के विद्यार्थी रहे हैं और मीडिया को जो लोग समझते हैं, और यहाँ बहुत सारे मीडिया के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, फैकल्टी मेंबर्स हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। जब भी हम कहते हैं जर्नलिज्म के बारे में, मीडिया के बारे में, तो हम कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया का भी संबंध, न्यू मीडिया का भी संबंध सोशल जो वो है, वो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन से है, जो सूचनाओं का संचरण है, सूचनाओं का प्रवाह है, उससे संबंधित है। लेकिन सूचना के बारे में हम कहा जाता है कि कोई भी सूचना समाज के लिए तभी उपयोगी हो सकती है, समाज पर जब भी अपना प्रभाव डाल सकती है, जब वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो, क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण सूचना। अब आप कह सकते हैं कि गुणवत्ता प्रोडक्ट की तो होती है, सूचना की गुणवत्ता कैसे हो सकती है? तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो गुणवत्तापूर्ण सूचना वही होती है जो सूचना सही समय पर हो, समग्रता के साथ हो और सही स्थान पर, यानी उसकी जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे। ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अगर क्वालिटी अगर इंफॉर्मेशन की देखनी है तो इन तीन चीजों को, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिटी है इंफॉर्मेशन की, वो है समग्र सूचना, यानी उसको सभी दृष्टिकोण से जांचा परखा गया हो, सभी तरफ से वो उपयोगी हो, आंशिक या भ्रामक या एक पक्षीय ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि सही सूचना, समय पर सूचना और समग्र सूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें न्यू मीडिया के संदर्भ में या ओवरऑल मीडिया की भी हम बात करें तो हमें लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि अगर मीडिया इसमें अपने आप को सक्षम नहीं पा पा रहा है, अगर वो मजबूर अपने आप को समझ रहा है, या वो कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दबावों के चलते वो इस अपने जो मूल उद्देश्य से उससे भ्रमित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो उस सूचना को जो उपयोग करने वाले लोग हैं उनको हम इतना सक्षम बनाएं, उनको इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि वो उसका विश्लेषण कर सकें, उसको समझ सकें और उसको अपनी कसौटी पर कस कर फिर तय कर सकें कि हमें इसका उपयोग किस तरह से करना है, इसे आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, इससे प्रभावित होना है अथवा नहीं होना है, या फिर हमें इसको दूसरों को किस तरह से एक्सप्लेन करके बताना है, या इसका अब इसके आगे के विश्लेषण की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आज सत्य को लेकर जिस तरह से, और खास तौर से जब हम राजनीतिक दबावों की बात करते हैं, राजनीतिक दबावों में जब मीडिया काम करता है या जब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो निश्चित रूप से वहां समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, और वहां कहीं ना कहीं जो समरसता है वो प्रभावित होती है। इसलिए उस पर कहीं ना कहीं हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए, उस पर सोचनी चाहिए, और आज मुझे लगता है जो लोगों को बताने की जो खास आवश्यकता है, वो आवश्यकता इस बात की है कि सत्य जो है वो अनेकों प्रकार का होता है, क्योंकि सत्य सिर्फ सत्य होता है, लेकिन आज उस सत्य को कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने रखा जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे विद्वान हैं, उन्होंने सत्य के अनेक रूप हमारे सामने रखे हैं। मैं एक छोटी सी सूची उसकी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इतने विस्तार में जाने का समय तो नहीं है कि मैं उसके एक एक सत्य को आपको व्याख्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके उन उन उनके जो शाब्दिक अर्थ हैं उनसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि सत्य कितने अलग अलग रूपों में आपके सामने होता है और आपको किस रूप की आवश्यकता है उसको। हमारे एक विद्वान है, उन्होंने सत्य के जो रूप बताए हैं, उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल ट्रुथ, ट्रिवियल ट्रुथ, सम ट्रुथ, साइकोलॉजिकल ट्रुथ, पैराडॉक्सिकल ट्रुथ, रियल ट्रुथ, फिलोसॉफिकल ट्रुथ, हिडन ट्रुथ, ओल्ड ट्रुथ, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, रिलीवेंट ट्रुथ, रैशनल ट्रुथ, इम्पोर्टेंट ट्रुथ, इनडिफरेंट ट्रुथ, मैथमेटिकल ट्रुथ, हार्ड ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, फैक्चुअल ट्रुथ। और एक और है इसमें, अंत में बात इसके खत्म करूं कि मैं इमोशनल ट्रुथ। अब आप अगर देखेंगे इतने सारे तथ्यों के इर्द गिर्द अगर आप बात करेंगे तो हर व्यक्ति का सत्य को समझने का अपना नजरिया होता है। और हर व्यक्ति जब सत्य को समझता है तो उसमें जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उसकी प्रॉक्सिमिटी, एक उसका डिस्टेंस और एक उसकी नियरनेस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा कि बोलचाल में हम कहते हैं, जब डिस्कशन करते हैं तो दो लोगों के बीच में आपने डिस्कशन को सुना होगा तो लोग कहते हैं कि ओके इट हैपेंड बट व्हाट इज द ट्रुथ। मतलब पूरी बात आपने कह दी, पूरी चर्चा हो गई, उसके बाद भी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, वो लास्ट में आपसे एक सवाल करता है कि ठीक है ये सब हो गया लेकिन आप बताओ सच क्या है, इस मामले में सच्चाई क्या है। इसका मतलब कि इतना सब बोलने के बावजूद, बताने के बावजूद भी सच अभी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, सच अभी रह गया, सच सामने नहीं आया है। तो इसलिए व्यक्ति का और हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने अपने रेफरेंसेस होते हैं, उस रेफरेंस में, उस माइंड सेट में उसके लिए सत्य और असत्य का भेद होता है, उसके आधार पर वो समझता है। तो इन सारी चीजों की समझ आज समाज में पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह का समाज आज बन रहा है और खासतौर से हमारे जो न्यू मीडिया या सोशल मीडिया जिस तरह से समाज, जिस तरह के समाज का निर्माण कर रहा है, वो समाज आने वाले समय में हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करेगा, आने वाले समय में हमारे समाज में विभाजन पैदा करेगा, छोटे छोटे वर्गों में खंड खंड समाज का निर्माण वो करेगा, जो कि हमारे लिए चिंता होगा और उसकी जो बुराइयां हैं वो उसको लंबे समय तक हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अगर हम चिंतित नहीं हुए, आज हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की, जिस तरह से आप देखते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट होती है आज मीडिया में, और उन डिबेट में आप देखते हैं कि दोनों पक्ष अपनी बात जोरदार तरीके से रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सर दोनों अपनी बात को सत्य ढंग से कह रहे हैं, और कभी कभी आपको दोनों की बातें सच्चाई के नजदीक दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सच को अगर समझना है, सच्चाई का अगर अंदाजा लगाना है, तो हमें शायद इसी कसौटी पर कसना होगा कि जो पूरी सत्य की जो राजनीति है, उस राजनीति का निष्कर्ष यही निकलना चाहिए कि जो भी सत्य हम समझ रहे हैं, क्या वो समाज के लिए हितकारी है, क्या वो समाज पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में सक्षम है, क्या वो समाज को और देश को आगे ले जाने में सक्षम है। अगर ये है तो हम उसको सत्य को, सत्य के काफी नजदीक मान सकते हैं, अन्यथा हमें उसे असत्य या उसको भ्रामक या आंशिक सत्य ही मानना चाहिए, और उस पर कहीं ना कहीं हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, उस पर विश्लेषण करना चाहिए कि उसमें पीछे क्या छिपा हुआ है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं गणित में, अभी हम मैथमेटिकल ट्रुथ की बात कर रहे थे, मैथमेटिकल ट्रुथ तो कहता है कि दो और दो चार होता है, लेकिन दो और दो चार गणित की दृष्टि से होता है, फैक्चुअल ट्रुथ है, ये है, हम कह सकते हैं ये फैक्चुअल ट्रुथ है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो आंकड़ों के आधार पर नहीं देखी जाती हैं। हम आज समाज में बहुत आंकड़ों के आधार पर चीजों को देख रहे हैं, आज मीडिया हमारे सामने कई बार जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आंकड़ों के आधार पर बातें कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन आंकड़ों को एक इमोशनल ढंग से देखें तो कई बार हमें लगता है कि इमोशनली वो सारी चीजें रॉन्ग हैं, जो हमें मैथमेटिकली फैक्चुअली बहुत स्ट्रांगली फैक्ट दिखाई दे रहा है, हमें बहुत ट्रुथ दिखाई दे रहा है, वो शायद कई बार हमें लगता है कि इमोशनली जो है वो बहुत ही रॉन्ग है और उसका एक बैड इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कई बार हिस्टोरिकल जो ट्रुथ की हम बात कर रहे थे कि इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, गलत ढंग से प्रस्तुत करना, आंशिक ढंग से प्रस्तुत करना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं आज जो हमारे सामने, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है, उनका विश्लेषण इस ढंग से किया जा रहा है जो केवल फैक्चुअल एनालिसिस है, उसका सोशल एंगल से, कल्चरल एंगल से या इमोशनल एंगल से, या जिसको हम कहें कि साइकोलॉजिकल एंगल से उनका एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गलत परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो मैं सब बात कर रहा हूँ आपसे कि कौन सी चीज रेशनल है तो कितनी रेशनल है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है जो आप, ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई कि गिलास आधा भरा और आधा खाली है, वो भी सत्य को देखने का तरीका है। उसको उसको भी उसके आधार पर भी हम बहुत अगर साधारण ढंग से समझें कि जो है कि आप नेगेटिव ढंग से सोचते हैं कि पॉजिटिव ढंग से सोचते हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, कितनी और आप कितना जो है सोसाइटी में जो सकारात्मक बदलाव है उसके लिए आप कितने चिंतित हैं, कितने आप उसके लिए दिखाई। और दूसरा यह है कि क्या हम लोगों के दिल को छू पा रहे हैं, ये सारी सूचना है जो कहीं हम उनको उनसे कनेक्ट कर पा रही हैं क्या। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आज जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी को मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हम बहुत ही इसमें एक तरह से हमको सत्य को एक अलग ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा, एक नए ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा, तभी शायद हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे, इन सब चीजों को लोगों को बता पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय अपना लेते हुए, अपने समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं यही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से मीडिया के प्रति प्रेरित करें और लोगों को इन घटनाओं को, इन समाचारों को, इन सूचनाओं को किस तरह से विश्लेषण किया जाए, किस तरह से देखा जाए, किस तरह से उनकी उपयोगिता को समझा जाए और अपने स्वविवेक से हम किस तरह से इन समाचारों को अपने ग्राह्य करने या अग्राह्य करने पर हम इनको ध्यान दें। क्योंकि कोई भी जब सूचना है जिसको हम बात करते हैं तो सूचना में एक तरह की ग्राह्यता होती है या अग्राह्यता होती है, और हर बार अगर ग्राह्यता होती है तो वो चिंता की बात होती है। और समाज एक ऐसा जो समाज है जो सोचने वाला, जो चिंतन करने वाला समाज है, अगर उस समाज को हमें बनाना है तो हमें निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो न्यू मीडिया हो या कोई अलग तरह का फॉर्मेट उसका हो, जब समाज में पहुंचती है तो उसकी ग्राह्यता या अग्राह्यता होती है। अगर ग्राह्यता होती है तो कई बार उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि लोगों ने उसको समझ नहीं पाया, या लोगों के पास इतना विवेक नहीं था, या लोगों ने इतना समय देने की कोशिश नहीं की उसके लिए। लेकिन जब उसकी अस्वीकारता होती है, अस्वीकारता होती है तो उसका विश्लेषण प्रारंभ होता है, और जब विश्लेषण प्रारंभ होता है तो फिर उसको कसौटी पर कसा जाता है। और वहीं से हम कहते हैं कि जब सूचनाओं की स्वीकार्यता के बजाय अस्वीकार्यता बढ़ने लगती है तो वहां से समाज में चिंतन की प्रक्रिया, देखिए स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता, सूचना की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच की जो प्रक्रिया है वही चिंतन प्रक्रिया है, वही चिंतन प्रक्रिया को, सोचने की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। तो जब सूचनाओं के प्रति अस्वीकार्यता बढ़ेगी तो हमारे समाज में चिंतन की एक प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और वो जो चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें स्वविवेक से एक नॉलेज डेवलप होगी, उससे एक ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि उसी विश्लेषण से, उसी चिंतन से एक ज्ञान विकसित होता है, और वो ज्ञान जो होता है वो एक व्यवहारिक ज्ञान होता है जिसको हम कहें प्रैक्टिकल और समाजोपयोगी ज्ञान, जिसका आप अपने ढंग से विश्लेषण करके और उसको उसके आधार पर समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम समाज में कंट्रीब्यूटर बने, एक समाज में ज्ञान का विकास करें और एक व्यावहारिक ज्ञान और एक समाजोपयोगी ज्ञान का विकास करें, तो हमें सूचनाओं की अस्वीकार्यता बढ़ानी होगी और उनके विश्लेषण पर जाना होगा, जिससे कि हम एक सोचने समझने वाला समाज, एक चिंतनशील समाज, एक मननशील समाज हम तैयार कर सकें। और उसकी प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी कि हम हर सूचना को कसौटी पर कसें, उसको अस्वीकार करें और उसके बाद उसको टेस्ट करें, उसको जांचें परखें और देखें कि अब इसकी सत्यता का लेवल क्या है, सत्यता का स्तर क्या है, तब हम समाज को बदल पाएंगे, समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो कि कहीं हमें एक समरस समाज की तरफ ले जा सकेगा। इसलिए मैं ये अंत में ये कहते हुए अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा कि हमें जो इस समय मीडिया के माध्यम से, न्यू मीडिया के माध्यम से सत्य को लेकर जो भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, सत्य को लेकर जो राजनीति की जा रही है, सत्य को लेकर जिस तरह का जो एक एक एक, एक आंशिक उसका स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको समझें, इसकी समझ पैदा करें और अपना और समाज का और देश का और पूरी दुनिया का नुकसान होने से हम बचाएं। और जो विश्व शांति की हम जो बात करते हैं, विश्व शांति की कल्पना भी तभी साकार हो सकती है जब हम सत्य को सत्य के तरीके से ही समझें, उसको सही स्वरूप में उसको समझें, सही संदर्भ में उसको समझें और समाज की उपयोगिता के आधार पर उसका विश्लेषण करें, तो शायद हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर आपके होंगे तो आदरणीय नाहटा साहब के सत्र के बाद हम लोग
उन सवालों को ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सही बात कही कि सामाजिक मीडिया साक्षरता की जरूरत महसूस की जा रही है, और ऐसे में मंदसौर विश्वविद्यालय का भी एक सीधा सा एक फंडा रहा है, सीधी सी एक बात है कि मीडिया साक्षरता को ज्यादा से ज्यादा इस मालवा के अंचल में कैसे प्रसारित किया जाए, बताया जाए लोगों को, युवाओं को, जिससे जो आपने बातें कही कि किस तरीके से समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, इस मीडिया के कंटेंट से उससे बचा जा सके। यह वही मीडिया का कंटेंट है जिसके बल पर देश भर में लगभग 30 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। उसमें एक बड़ा मामला हमारे बीच में आया था जब कर्नाटक में इंजीनियर की हत्या हो गई थी, और दूसरा बड़ा मामला है जब अखलाक की मौत होती है, अखलाक को घर में सिर्फ बीफ रखने की वजह से मार दिया जाता है। और ऐसे अब तो विश्व आर्थिक मंच ने भी माना है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आ रहा है और उससे जो हानि हो रही है वो सबसे बड़े जोखिम के तौर पर माना जा रहा है, कि सबसे बड़ा जोखिम अगर कोई है तो सोशल मीडिया का कंटेंट है। और यहाँ तक कि खुद अपनी किताब जो भाजपा की जो खुद स्वाति चतुर्वेदी हैं, उन्होंने खुद भी एक किताब लिखी है आई एम ए ट्रोल, उसमें बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं सोशल मीडिया जो पार्टीज हैं या जो नेशनल लीडर्स होते हैं या उनके जो लोग होते हैं वो कैसे कंटेंट को फैलाते हैं। बहुत सारे ट्विटर हैंडल फर्जी क्रिएट किए जाते हैं, तो ऐसे में जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कंटेंट को समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए google.org ने भी अभियान चला रखा है फैक्टशाला के नाम से, और बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिससे कि आप फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, हॉक्स, सटायर, इन सबको बहुत ही गंभीरता से आप समझ सकें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय को, नरेंद्र नाहटा सर को। सर को सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, एक लंबे समय से हम उन्हें पढ़ रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद सर लगातार लेक्चर्स लेते रहते हैं हमारे बीच में, लेकिन कोविड की सिचुएशन में ऐसा मौका पहली बार आया है कि सर हमारे बीच में लाइव हैं। हम उम्मीद करेंगे जो भी पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं वो कभी सर को लाइव भी सुने, जब यहाँ कभी मौका लगेगा हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, देश भर के विभागियों को आमंत्रित करके बुलाएंगे भी, हम सेमिनार या वेबिनार्स करेंगे आने वाले दिनों में। तो सर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। सर आप खुद एक लंबा अनुभव आपका रहा है पॉलिटिक्स में, साथ साथ शिक्षाविद हैं देश के प्रमुख अखबारों में आप अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं, ऐसे में सच क्या है, सच को कैसे पहचाने, और सच को पहचानते समय युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है इस पूरे मामले में, न्यू मीडिया को आप कैसे देखते हैं, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को आप बताएं। सर नरेंद्र नाहटा सर। सर अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपकी आवाज। हाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? परफेक्ट। हाँ तो जी सर अब आवाज आ रही है। प्रोफेसर मनीष जैसल और धन्यवाद पत्रकारिता विभाग कि आज मैं आपके साथ हूँ। हालांकि न तो मैं कभी पत्रकार रहा न मैं पत्रकारिता का कभी छात्र रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप सबके बीच, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एक छात्र के रूप में आज यहाँ आया हूँ, और जब पुष्पेंद्र पाल सिंह साहब यहाँ हैं तो मैं कुछ सीख के यहाँ जाऊँगा, तो इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक बात बीच में कहूंगा कि प्रोफेसर सिंह साहब ने एक बात कही कि मंदसौर यूनिवर्सिटी को लेके, तो मैं इतना कह सकता हूं कि मंदसौर यूनिवर्सिटी ये मानती है कि केवल विश्वविद्यालयों का काम परीक्षाएं कराना और डिग्री देना नहीं होता, इससे आगे बढ़कर विश्वविद्यालयों की कुछ सामाजिक जवाबदारियां होती हैं और उन्हें उनको निभाना चाहिए। ऐसी जवाबदारियों को निभाने के लिए हमारे विभिन्न विभाग अलग अलग तरह के वेबिनार्स करके इस पेंडेमिक के समय में अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारा पत्रकारिता विभाग का ये 50वां सेमिनार है, वेबिनार है, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मंदसौर यूनिवर्सिटी का जो ये सोच है, जो मिशन है, जो मैंडेट है, हम सब उसको सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे। मीडिया एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ, मैं मुझे विषय बताया गया, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ शब्द कहाँ से आया? ये विदेशी प्रोफेसर्स और विदेशी पत्रकारों से शब्द आया, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स के एक शब्द आया, और ये आया तब जब राजनीति का नैरेटिव बदल रहा था, राजनीति के तरीके बदल रहे थे, राजनीति में बात करने के स्टाइल बदल रही थी, तब लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिक्स पोस्ट ट्रुथ
क्या है, पॉलिटिक्स ट्रुथ क्या है, ये है कि जब हम अपनी इसको कहते हैं कि इट्स ए पॉलिटिकल कल्चर विच इन विच डिबेट इज फ्रेम्ड लार्जली बाय अपील्स टू इमोशन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ पॉलिसी, जहां जहां तथ्य नहीं है, भावनाओं पे बात हो रही है, तो वो पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ उसको नाम दे दिया गया। कि आज का जो नई जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें हमने ये इस तरीके से उस बात को लोगों ने परिभाषित किया। और फिर वो कहते हैं आगे कि ये पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स क्या है, तो वो कहते हैं कि और जब बहस होती है तो आप अपने ही पॉइंट पर अड़े रहते हो, आप जो सामने वाला प्रश्न कर रहा है उसका जवाब नहीं देते हो, तो ये पोस्ट ट्रुथ, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ है। पर मैं इसको जब भारतीय संदर्भों में बात करूं तो मैं उसका सीधा सा सीधा हिंदी अनुवाद कर लेता हूं कि सच की राजनीति। और हम ज्यादा बात कर लेते हैं राजनीति के सच के ऊपर कि राजनीति का सच क्या है, तो सच बात है कि हाँ सच की राजनीति। और मुझे कोई संदेह नहीं कि अगर सबसे पूछे कि राजनीति का और सच का कितना संबंध है, तो आप जैसे युवा जो यहाँ बैठे हैं, शिक्षक गण जो बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग क्या इस बारे में अपना मत रखते होंगे, पर कुछ तो अनुमान मैं भी लगा सकता हूँ, राजनीति ने इन वर्षों में अपनी विश्वसनीयता को निश्चित रूप से कम किया। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अगर अगर राजनीति एक प्रजातंत्र में अगर राजनीति अगर यदि कमजोर पड़ती है, अगर प्रजातंत्र अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें समाज कमजोर पड़ता है, हम राजनीति हम प्रजातंत्र में राजनीति किसको कहते हैं, हम कहते हैं वो समाज का प्रतिबिंब है। समाज जो सोच रहा है वो राजनीति में प्रतिबिंबित हो जाता है। समाज क्या सोच रहा है, मुझे लगता है कि हम राजनीति से ज्यादा हम इस बात की चिंता करेंगे कि समाज क्या सोच रहा है। प्रजातंत्र में समाज ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर समाज अगर इस बात को समझ सके कि सच का जिन जिन चिंताओं की अभी अभिव्यक्ति यहाँ पर सिंह साहब ने की, वो तभी दूर होगी, वो चिंताओं का समाधान निकलेगा जब समाज सोचना शुरू कर देगा समाज को कौन बनाएगा। वहां मैं समझता हूं कि मीडिया का एक बड़ा रोल है। ये आज से नहीं, सदियों से मीडिया ने वो भूमिका निभाई है जिससे जिससे समाज बदला है। समाज ने उन बातों को नकारा है जिन बातों से समाज का शोषण किया जा रहा था। आप 18वीं-19वीं शताब्दी की के अमेरिका को देख लें। 18वीं-19वीं शताब्दी में अमेरिका के ब्रिटिश साम्राज्य को केवल इसलिए वो लोग बाहर कर पाए कि मीडिया जनता को एजुकेट कर रहा था, जनता को प्रशिक्षित कर रहा था, जनता को हौसला दे रहा था। यही 18वीं शताब्दी की फ्रांस रिवॉल्यूशन में हुआ, जहां गरीब वर्ग अभिजात्य वर्ग के सामने खड़ा था। वहां भी वो मीडिया था जिसने ये काम किया। गांधी जी ने कहा कि मीडिया को उन्हें परिभाषित किया कि ये बाढ़ के उस अनियंत्रित पानी की तरह से है जो जो सब कुछ तबाह कर देता है। मीडिया की कलम भी वही चीज है, अगर वो अनियंत्रित है तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। तो मीडिया की जवाबदारियां हैं। और जब गांधी जी कहते हैं नियंत्रण की बात, तब गांधी जी उस सरकारी नियंत्रण की बात नहीं करते, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर वो कहीं अंकुश लगाने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ये अंदर से आने वाला नियंत्रण है। ये वो अंदर से आने वाला नियंत्रण जो है वो मीडिया को जब संचालित करेगा, और जब मीडिया जब समाज को जब एजुकेट करने की कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ जिन चिंताओं के बारे में हम आज बात करते हैं सोशल मीडिया के लेके जिस तरह की बात करते हैं, मैं समझता हूँ उनका समाधान हम ढूंढ पाएंगे। अगर आप देखें कि मैंने अभी 18वीं-19वीं शताब्दी की अमेरिकन क्रांति की बात की, 18वीं शताब्दी की मैंने फ्रांस क्रांति की बात की, लेकिन हम वर्तमान संदर्भों में भी देखें, अपने निकट के इतिहास में देखें, तो मीडिया ने कितना बड़ा रोल किया। अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र का राष्ट्र प्रमुख वाटरगेट कांड में इसलिए हिल गया कि मीडिया वाटरगेट कांड को चला रहा था। राष्ट्रपति निक्सन जैसा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली देश का व्यक्ति हिल गया। हमारे देश में देखें ऐसे कई उदाहरण आए जहां मीडिया के कुछ लोगों ने वो सब किया जिसने देश को, जिसने सरकारों को हिला के रख दिया। आजकल आप नेटफ्लिक्स पे अगर वो स्कैम कार्यक्रम देख रहे हो, तो सुचेता दलाल ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखना शुरू किया हर्षद मेहता के बारे में। ये वो हर्षद मेहता है जो जो किसी जमाने में स्टॉक एक्सचेंज के तो सब कुछ
थे, लेकिन वो हमारे युवाओं के रातों रात जो धनपति बन जाने की जो हमारे युवाओं की आकांक्षा है वो उनके रोल मॉडल थे। सुचेता दलाल ने स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली उन सब बातों को उजागर किया, नतीजा निकला हर्षद मेहता हटे, सरकार हिली। बाद में आए अरुण शौरी साहब, अरुण शौरी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में फिर दोबारा काफी कुछ लिखा। एक बार का तो मुझे याद है कि अरुण शौरी साहब ने एक सीरियल लिखा था महाराष्ट्र के ऊपर, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले साहब को जिसमें जाना पड़ा था। ये मीडिया की ताकत है, ये मीडिया की ताकत है जो 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 समाज को चलाती है, समाज को बनाती है, सरकारों को हिला देती है। और जब ये मीडिया अगर यदि ये मजबूत हो जाए, यदि हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात समाज में सही तरीके से नहीं जा रही, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्षमा करें, कि कहीं ना कहीं मीडिया शायद अपने रोल में, समाज को बनाने वाले रोल में शायद मीडिया उतना काम नहीं कर पाया। अब जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, हमारा मीडिया भी दो भागों में बटा। एक मीडिया वो जो कुछ बातों के पक्ष में है, एक मीडिया वो जो कुछ, मीडिया की अपनी कोई इमेज नहीं रही, वो किसी और छवि को बनाने या बिगाड़ने की कोशिश में लगा है। जब तक ये परिवर्तन हमारे समाज में नहीं आएगा, समाज में परिवर्तन तब आएगा जब मीडिया अपने ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण लेकर अपने लिए कुछ पैरामीटर्स बनाएगा। मुझे याद है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स ने जब सरकार कुछ नहीं कर पाई तो उनने अपने लिए छह सिद्धांत बनाए, उन्होंने कहा हम इन पर काम करेंगे। वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिपेंडेंस, ट्रूथ्स एंड एक्यूरेसी, इम्पार्शलिटी एंड फेयर प्ले। हमने अपने लिए नियंत्रण किया, ये गांधी ने कहा था। जब 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 मीडिया ने अपने ऊपर खुद नियंत्रण करने की बात रखी, तब जाकर हम हिंदुस्तान में देखें, सरकार ने काम किया, प्रेस काउंसिल बनाई, सरकार ने काम किया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बनाई, ये नियंत्रण के लिए बनाई। ये इसलिए जरूर, मुझे एक अपनी घटना याद आ रही है कि कितना ये अथॉरिटीज और ये नियंत्रण कितना कामयाब हो जाता है। यहाँ मैं राजनीति में हूँ और मेरे खिलाफ एक अखबार ने बड़ी अश्लील भाषा में बहुत कुछ सारी बेहूदी बातें लिखी। अब मैं वैसा राजनेता नहीं बन पाया कि मैं खुद उनको समझा देता कि उनने क्या गलती कर रहे हैं। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास गया और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जब मैंने वहां पर जाकर दिल्ली में मैंने प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष महोदय को बताया कि मैं है और मेरी अपील है, तब उन्होंने भोपाल में कैंप लगाया, मेरी सुनवाई की और वहीं से, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कलेक्टर को फोन किया और कहा कि ऐसे अखबार आपके क्षेत्र में, अगले दिन से वो अखबार बंद हुआ। हम अगर लड़े, हम अगर यदि नियंत्रित करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदल सकता है। अब लेकिन हाँ, जो आज चिंता है वो इस बात की है कि हुआ ये कि प्रिंट मीडिया का स्पेस टीवी ने लिया, टीवी का स्पेस सोशल मीडिया ने ले लिया। वहां तक दिक्कत नहीं हुई, जब टीवी आया तब लोगों ने माना कि अब शायद प्रिंट मीडिया का भविष्य अंधेरे में है, लेकिन अगले 2-3 सालों में देखा कि प्रिंट मीडिया 30-40% सर्कुलेशन बढ़ा। मतलब यह हुआ कि जब टीवी रिस्पॉन्सिबल था तब उसने जो कुछ कहा, जो कुछ लोगों को बताया, लोगों की उत्कंठा जागृत हुई और उन्हें फिर उस बात को आगे समझने के लिए प्रिंट मीडिया की तरफ रुख किया। लेकिन वहां से अब यह बदलाव आया कि अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया ने आकर जो बात प्रिंट मीडिया में हमें अगले दिन पढ़ने को मिलती थी, टीवी में हमें उसी दिन मिल जाती है, सोशल मीडिया में उसी क्षण मिल जाती है। लेकिन जो सबसे खराब बात हुई वो ये हुई कि वहां प्रिंट मीडिया का पत्रकार टीवी के पत्रकार से अलग हुआ। जब टीवी का पत्रकार अलग हुआ और जब सोशल मीडिया आया तो दुर्भाग्य से आम आदमी खुद ही एक पत्रकार हो गया, वही अपने वीडियो डालने लगा, वही अपने विचार डालने लगा, वही अपना वही अपने वो वीडियोस को फॉरवर्ड करने लगा और वो एक विचार को आगे बढ़ाने लगा। हम सब फॉरवर्ड करने में लग गए, हम चिंतन को हमने छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि अब हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी विचार के साथ जुड़ गए, हम विचार का निष्पक्ष भाव से हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे, हम उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे, हम विचार के साथ, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि हम एक पार्टी हो गए, हम पार्टी हो गए। तो ये जो सोशल मीडिया के आने के बाद
ये जो समाज में बदलाव आया है, इस बदलाव को कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा, और इस बदलाव को लाने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा। तब हमें दो एक बातें समझनी पड़ेगी, राजनीति का नैरेटिव क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। देखिए राजनीति उस जब राजनीति संघर्षों से निकलती है, स्वतंत्रता संग्राम से निकलकर राजनीति आई, वो तपी हुई राजनीति थी। तब जो नेता निकले वो तपे हुए नेता थे, उनके उद्देश्य अलग थे, उनके सिद्धांत अलग थे, उनका आचरण, उनका व्यवहार सब कुछ अलग था। जब धीरे धीरे राजनीति केवल सत्ता की ओर आ जाती, सत्ता लक्ष्य हो जाता है, तब फिर वो होता है कि मीडिया और सच सत्ता की दूरियों में कहीं ना कहीं जो फर्क जो होता है वो कम होने लगता है। फोकॉल्ट शायद आप में है, यहाँ शिक्षक गण भी हैं और यहाँ छात्र भी हैं, शायद आपने फोकॉल्ट को पढ़ाया हो। फोकॉल्ट ने ये कहा कि एवरी रिजीम हैज इट्स ओन ट्रुथ, हर समय की हर सत्ता का अपना एक सच होता है, हर सत्ता का एक अपना सच होता है, वो अपने हिसाब से सच को परिभाषित करती है। तब समाज का काम ये होता है कि वो सच को सही समझे, सच का विश्लेषण करे और खुद समझ सके और जनता को समझा सके कि सच क्या होता है, ये क्यों जरूरी है। मैं इसमें भी दो बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक, जब समाज जागृत हो जाता है, अभी पिछले दिनों राजनीतिक संदर्भों को छोड़ दीजिएगा, बंगाल के चुनाव में बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए और उन्होंने एक नारा दिया, एबार बांग्ला पार्ले सांवला। उनका आशय यह था, बंगाल संभाल सकता हो तो संभाल, राजनीति को एक तरफ कर दीजिए। लेकिन जब देश का बुद्धिजीवी, जिसका अधिकांश हिस्सा पत्रकारों से, पत्रकारिता से जुड़ा है, जब वो जागृत होता है, वो समाज को कहीं बनाने की कोशिश करता है, तब समाज सुनता है, क्योंकि राजनीति के पास वो विश्वसनीयता नहीं है कि राजनीति जो समाज को कहे वो समाज, राजनीति समाज की विवशता बनती जा रही है। आप चुनाव जाते हो, आपको वोट देना है, इसको देना है, उसको देना है, या नोटा में देना है, लेकिन आपको देना है, वो आपकी विवशता बनती जा रही है। आस्था मेरी नहीं है, मैं राजनीति की बुराई करता हूं, लेकिन राजनीति में लेकिन वोट देता हूं। लेकिन जब समाज का बुद्धिजीवी, समाज का पत्रकार, समाज का बुद्धिजीवी पत्रकार जब जगता है और वो समाज को कहने की कोशिश करता है, तो उसका असर होता है, और उसका असर का नतीजा ये होता है कि समाज बदलता है, समाज उन परिणामों को बदल पाता है। जो सोशल मीडिया में जो कुछ बात हो रही है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि प्रोफेसर डस्टन कैनहम ने, मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, इट इज इंफोडेमिक, पेंडेमिक से उठाया हुआ शब्द। उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन का पेंडेमिक है, यहाँ सूचना का किस तरीके से गलत व्यवहार हो रहा है, सूचना का किस तरीके से गलत उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा इस बात को कि इट्स इंफोडेमिक, इस इंफोडेमिक का सामना कैसे करें। वो वैक्सीन, वो टीका हमें, हमारे पास है, हम समाज को जगाएं, समाज को शिक्षित करें, समाज को प्रशिक्षित करें, उसमें हौसला डालें कि वो उंगली उठा सके, वो प्रश्न उठा सके, वो पूछ सके। सत्ता कोई भी हो, सत्ता अपना सच लेकर आएगी, हर सत्ता अपना सच लेकर आएगी, लेकिन उस सच को पर सवाल करने का अधिकार जिस जनता का है, उस जनता को सवाल करना मीडिया सिखाएगा। आप चाहे सोशल मीडिया में चले जाएं, चाहे प्रिंट मीडिया में चले जाएं, चाहे विजुअल मीडिया में चले जाएं, फर्क नहीं, सत्य शाश्वत है, सत्य नहीं बदलता। फोकॉल्ट ने कहा होगा एवरी रिजीम हैज इट्स, पर हर समय का अपना सत्य नहीं होता, सत्य तो हमेशा शाश्वत रहता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र, भारतीय परंपराएं कहती है, सत्य हमेशा शाश्वत। उस सत्य को स्थापित करने के लिए हम जिन जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, हम जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ये हमारी जवाबदारी है। दुनिया में देखें आप, पत्रकारिता के भी अलग अलग मायने हो गए, पत्रकारिता करियर हो गया, करियर तो होना ही चाहिए, लेकिन करियर की ग्रोथ कैसे आए, ये छात्रों को समझना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ, आप अफगानिस्तान में जाइए, अमेरिकन प्रेस रिपोर्टर्स, पता नहीं लग रहा उनका वो कहाँ गए, सालों से गायब हो गए, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उनने अपना कर्तव्य को निभाना नहीं छोड़ा। ये सीरिया में और दूसरे देशों में जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है, पत्रकार वहां जा रहा है, उनको छोड़ दीजिए, अपने देश आ जाइए। मुझे याद आ रहा है कारगिल युद्ध में बंकर में एक महिला पत्रकार बरखा दत्त,
बंकर में से रिपोर्टिंग कर रही थी, लाइव रिपोर्टिंग चलती हुई तोपों की, ये पत्रकारिता है मित्रों। जब आप छात्र हैं तो मेरा आपसे कहना है उस पत्रकारिता को समझिए। मैंने कहा अरुण शेरी पत्रकार से केंद्रीय मंत्री हो गए, सिर्फ इसलिए हो गए कि पत्रकारिता के सही मूल्यों और सिद्धांतों को उन्हें समझा, अपने आचरण में उतारा और उसके उसके अनुसार उन्हें व्यवहार किया, तब उनको कहीं ना कहीं पहचान मिली, उनको एक रिकग्निशन मिला। आप जो जर्नलिज्म के छात्र हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इससे बड़ा आपके हाथ में जो कलम, नेपोलियन ने कहा था मैं 4 विद्रोही पत्रकारों से डरता हूं, 1000 तोपों से नहीं डरता, वैसे विद्रोही पत्रकार बनने की कोशिश कीजिए, व्यवस्था को बदलने की कोशिश कीजिए, व्यवस्था पर उंगली उठाने की कोशिश कीजिए, ईमानदारी से काम करिए, निष्पक्षता को साथ रखिए, ट्रांसपेरेंसी को साथ रखिए, मेहनत करिए, तथ्यों को ढूंढ कर लाइए और जनता को एजुकेट करिए कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे अपना समय लगा रहे हो, सोशल मीडिया पत्रकारिता नहीं है, वीडियो डाल देना पत्रकारिता नहीं है, उसका विश्लेषण कर लेना जरूर आपकी शिक्षा को कहीं ना कहीं आपको उपयोगी बनाता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, ऐसे पत्रकार बनिए, और मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूँ ऐसे पत्रकार बनाइए जो खुद अपने कर्तव्यों के प्रति तो जागरूक हो, इस देश को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बना पाए। हमारे संविधान ने केवल अधिकारों की बात नहीं की है, उसने कर्तव्यों की भी बात की है। ये प्रजातंत्र तब मजबूत होगा जब समाज मजबूत होगा, समाज तब मजबूत होगा जब एक पत्रकार मजबूत होगा जो समाज को अपनी विश्वसनीयता अर्जित करके समाज को सिखा सकेगा। ऐसे विश्वसनीय पत्रकार बनने की कोशिश कीजिए, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का प्रजातंत्र जो आज भी एक आदर्श है, इतनी विविधताएं, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, विंस्टन चर्चिल का पुष्पन पाल साहब ने चर्चा की, लेकिन एक दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब हमारा देश प्रजातंत्र बन रहा था सारी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही थी, शायद हम बहुत गिने चुने देशों में से थे जो गरीब और अमीर, महिला और पुरुष को एक वोट का हक दे रहे थे, तब लोग हमारी मजाक उड़ा रहे थे, मान रहे थे ये अशिक्षित देश, इसमें प्रजातंत्र कितने दिन चलने वाला है। चर्चिल साहब ने भी हमारी मजाक उड़ाई, 70 सालों से देश का प्रजातंत्र जिंदा है, इतनी विविधताओं के बावजूद ये हमारी ताकत है, इस ताकत को मजबूत, और आज सारी दुनिया इस प्रजातंत्र के सामने कुछ आशाओं के साथ देखती है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई हो, लेकिन आज भारत देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का राष्ट्रप्रमुख, भारत देश का राष्ट्रपति अगर दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, तो इस देश की ताकत है, ये आपकी और मेरी ताकत है, इस ताकत को मजबूत कीजिए। ये ताकत तब मजबूत होगी जब समाज मजबूत होगा, समाज तब मजबूत होगा जब आप समाज को, आप मजबूत हो गए और समाज को हौसला दे सकोगे, जब आप ये कर लोगे तो राजनीति के सच और सच की राजनीति का जो अंतर है उसको आप दूर कर पाओगे। मित्रों, सच की राजनीति को इस देश में स्थापित करें, राजनीति का सच कुछ भी हो, लेकिन मेरा और आपका भविष्य तो सच की राजनीति से, तो हम, मैं विश्वास करता हूँ हम सब इस दिशा में प्रयास करेंगे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जैसल साहब आपको, आपके डिपार्टमेंट को, पुष्पेंद्र सिंह साहब आपको कि आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए, और उन सब पार्टिसिपेंट्स को जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो छात्र हैं, ये हमारे जो हमारी पूरी टीम है, हमारा विश्वविद्यालय है, आपकी कही बातों को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और एक सार्थक समाज बनाने में अपनी भूमिका को हम जरूर स्पष्ट करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को टू वे कम्युनिकेशन में रखते हैं तो वो कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाता है। इसी क्रम में मैं अपने छात्र कपिल शर्मा एक सवाल करना चाहते हैं जो हमारे बीच में स्टार्टिंग से हैं। कपिल अपना सवाल करें और इसके बाद मैं चाहूंगा कि सिर्फ 4 सवाल और, जो कपिल के बाद जो 4 सवाल और होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो सिर्फ 5 सवाल ही इस कार्यक्रम में ले पाएंगे, तो आप लोग अपने अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख दें। कपिल आप अपना सवाल करें। माननीय, मैं कपिल शर्मा, जनसंचार विभाग मंदसौर विश्वविद्यालय में बैचलर पास आउट हूँ और अभी मैं वर्तमान में एमए में अध्ययनरत हूँ। आदरणीय, सबसे पहले मैं बड़ा क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आपके शुरुआती शब्दों से असहमत हूँ, क्योंकि सर आपने कहा कि मैं पत्रकार नहीं हूँ और मैं पत्रकारिता का छात्र भी नहीं रहा हूँ। आदरणीय, मैं अधना छात्र हूँ, लेकिन ये जो पत्रकारिता का जो पढ़ाई की इस दौरान, यदि मैंने किसी को सीधा
लिखना यदि मैंने किसी को देखा है तो आदरणीय आपको देखा है, क्योंकि आदरणीय ताजा घटना में आपको बता दूं कि सिंधिया जी का जो मंदसौर दौरा था, मैंने बहुत पत्रकारों की समीक्षा देखी, पढ़ी भी है और सुनी भी है, लेकिन एक विशेष पार्टी से संबंध रखते हुए जो आपने समीक्षा की है, आदरणीय मैं मुरीद हुआ हूँ, ये मैं माफी चाहता हूँ, ये मैं व्यक्तिगत हुआ हूँ, लेकिन ऐसी समीक्षा मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं असहमत हुआ हूँ कि आपने कहा कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नहीं। आदरणीय मेरा दूसरा आपसे सवाल यह भी था कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142 स्थान पर है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है आंकड़ा, ये आप भी जानते हैं आदरणीय। आदरणीय मेरा प्रश्न ये है कि हम वर्तमान में हम पत्रकार के बजाय हम पक्षकार को ढूंढते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि हम पत्रकार पत्रकारिता के छात्र हैं, हम आजकल जो दर्शक है वो निर्णय कर लेता है कि ये पत्रकार किस पार्टी से संबंध रखता है या किस पार्टी का विरोधी है, तो हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि हम पत्रकार बन रहे हैं या पक्षकार बन रहे हैं। आदरणीय में मार्गदर्शन चाहूंगा। कपिल बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सवाल आपका बहुत अच्छा है, यही तो मैंने कहा कि हम सब किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में बट गए, हम सच के साथ नहीं रहे, हमने अपना सच खुद गढ़ लिया, हम पक्षकार होकर, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, हम पक्षकार बन गए, तो यही हम गलती कर रहे हैं। और जब आप पत्रकारिता के छात्र हो, मैं कहता हूँ आपका प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि मैं पत्रकार ही रहूं, पक्षकार नहीं बनूं, जो सच है उसको सामने लाऊं। अगर किसी का पक्षकार मुझे बनना है तो सच का पक्षकार बनना है, पारदर्शिता का पक्षकार बनना है। और ये जो आपने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, यही तो मैंने कही कि जब अगर मेरा प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि समाज कमजोर हो रहा है, और समाज कमजोर हो रहा है तो उसकी कमजोरी को दूर करने की जवाबदारी तो आप जैसे युवा पत्रकारों की है, अपनी जवाबदारी को निभाइएगा, इस देश से बहुत उम्मीदें हैं। और अगर हम अच्छे और बहुत सारे उदाहरण है आपके पास, अगर यदि ऐसे नकारात्मक उदाहरण है, कुछ लोगों ने अपने आप को कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने को कहीं बांट लिया, तो ऐसे पत्रकार बहुत है। मैंने कहा कि बंकर में बैठकर एक महिला चलते युद्ध में चलती तोपों के बीच में एक महिला अगर रिपोर्टिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जवाबदारियों को समझ रही है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उसे किस सीमा तक जाना है। ऐसा पत्रकार बनने की कोशिश कीजिए, इस देश को मजबूत करने में हमेशा आपको लगेगा कि आपने अपना योगदान दिया है। थैंक यू। दूसरा सवाल, जी आप में से कोई और सवाल करना चाहता है? मित्र जी के साथ में आ रही हूँ। हेलो जी। जी मैं एक सवाल करना चाहता था आदरणीय भाई साहब से कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस कौंसिल, प्रिंट मीडिया में यदि किसी प्रकार के समाचार की यदि कंप्लेन करना होती है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर यदि इस प्रकार के कोई समाचार या कोई न्यूज वगैरह हो तो उसके संबंध में कोई प्रावधान है क्या कि सोशल मीडिया का हम वहाँ जो है कंप्लेन कर पाए? नहीं, बहुत सारे कानून बन गए हैं जो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी को के खिलाफ कार्रवाई होती है। सवाल इस बात का कि जब आप शिकायत कर रहे हैं तो कार्रवाई हुई या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन हाँ कानून तो विद्यमान है जो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बना हुआ है। जी अगला कोई सवाल, चलिए। हेलो जी। हाँ जी। हाँ सर जी, सवाल था हमारा कि आजकल का जो सर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया की बात करें, तो ये कहना है सर कि मीडिया बिक गई है। बहुत लोगों का ये कहना है कि गलत लोगों ये गलत इंफॉर्मेशन देना, किसी के बारे में किसी राजनीतिक तंत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई बयान देते हैं तो रातों रात उनका कत्लेआम हो जाता है, कुछ लोगों को मार दिया जाता है गलत इंफॉर्मेशन देने के बजाय, तो किस हद तक ये सही? इससे सवाल है मनीष, किससे? सर मुझे लगता है कि इसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे, अभी आप खुद इस एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं रोजगार निर्माण से, तो आप इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। पुष्पेंद्र सर,
पुष्पेंद्र सर आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? शायद चले गए। पुष्पेंद्र सर शायद चले गए हैं, ज्वाइन करेंगे वो। मुझे लगता है सर आप ही किसका जवाब दे दें। देखिए ये विकृतियां तो चारों तरफ हैं, राजनीति में भी है, पत्रकारिता में भी है, दूसरे क्षेत्रों में भी है। सवाल यही है कि मैं मेरी अपनी पुरानी बात पे आ जाता हूँ कि एक जागरूक समाज ही हम ये लोग बढ़ क्यों पाते हैं आगे। यदि यदि हमें मालूम है कि ये पत्रकार बिका हुआ है, ये पत्रकार जो कुछ कह रहा है ये गलत कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका नकार करने का भी, उसको नकारने का जवाबदारी भी हम ही लोगों की है कि वो पत्रकार महसूस करे कि वो यदि उसने एक गलत काम किया या ऐसा कुछ गलत किया तो समाज में उसके लिए स्थान नहीं है। जब समाज में ये नफरत कम हो जाती है, जब समाज अपना लड़ने की क्षमता छोड़ देता है, जब समाज इन चिंताओं में हो जाता है कि मुझे क्यों बुरा बनना है, तब इस तरह के लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ये राजनीति में भी गिरावट का कारण है, ये प्रशासन में भी है और ये पत्रकारिता में भी है। मैं इसीलिए कहता हूँ जब हम जागरूक होंगे तो ऐसे पत्रकारों को के मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन सिंह साहब आ गए हैं, अब दोबारा उनसे सवाल करवा लें। सर एक सवाल था, सवाल आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? जी हाँ जी हाँ। आलोक रंजन जी आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी सर हेलो। हाँ जी जी कंटिन्यू। सर मेरा सवाल था सर कि जो आजकल जितने पत्रिकाएं हैं जो लिखी जाती हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन जो लोगों के बीच में बांट दिया जाता है, और एक ऐसा है कि कुछ लिखना भी आजकल थोड़ा डरावना लगता है, किसी के बारे में खुल के लिखना, किसी राजनीतिक के बारे में अगर कोई महा ये आप अगर किसी राजनेता को ले जो कि एक महान हस्ती है, अगर कुछ अगर सही बात लिखी जाए तो उनका मतलब कि विरोध प्रदर्शन के बजाय जो जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं पे उंगलियां उठाई जाती हैं, कभी कभी रात में उनके ऊपर मतलब अत्याचार होता है, मार दिया जाता है, बहुत सारा एग्जांपल है हमारे साथ, तो इसी पर सर पूछना। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप लिख रहे हैं और किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके पास उसका आधार क्या है, उसके प्रमाण क्या हैं, क्या आपके पास उसका पूरी जानकारी, पर्याप्त जानकारी है आपके पास उसके, अगर कोई दस्तावेज है तो दस्तावेज आपके पास है क्या, और उसको आपने सभी दृष्टि से उसको उसकी जांच पड़ताल कर ली है, कानूनी दृष्टि से उसके जो प्रोसेस होती है, लीगल जो प्रोसेस होती है, जो एक एक प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है, मतलब उसको सभी जो उसके जो नियम कायदे हैं जो प्रशासनिक, उन सबके अंतर्गत वो काम हुआ है नहीं हुआ है। आमतौर पे जो इस तरह की चीज़ें होती है, कई बार करप्शन के मामले होते हैं, इन्हीं पर ज़्यादा बातचीत होती है, तो सबसे पहले तो उसको प्रामाणिकता उसकी क्या है, उसके आपके पास कितने ठोस सबूत है, कितना प्रमाण है आपके पास, और तब आप उसके बाद अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम कोई बहुत सुनी सुनाई बातों के आधार पर या थोड़े बहुत या एक पक्षीय तथ्य हमारे पास होते हैं और हम अपनी बात शुरू कर देते हैं, या एक व्यक्ति का विरोध या एक संस्था का विरोध या संगठन का विरोध हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली जो पत्रकारिता का जो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आप कोई भी कहें, चाहे पक्ष में कहें या विपक्ष में कहें, दोनों ही दृष्टि में आपके पास उसकी पूरी प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पूरे दस्तावेज और पूरी वो सबूत उसका आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आप कहें, जिससे कि कल को वो लीगल एक्शन ले या कोई भी एक्शन आपके विरुद्ध करता है तो आप वहां पर अपनी बात पर आप स्टैंड कर सके। कई बार नहीं तो क्या होता है कि सामने वाला अगर एक नोटिस भी देता है तो हम उसके दबाव में आ जाते हैं और दबाव में आकर हम पीछे हटने लगते हैं या घबरा जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं, तो इसलिए पहली आवश्यकता तो ये। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से समाज में देखिए सभी तरह के तत्व हैं, सभी तरह की स्थितियां हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो हम देख रहे हैं कि लोगों पर हमले होना, लोगों पर आक्रमण होना, इस तरह की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिली हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं,
तो आपकी चिंता जायज है, मैं उस चिंता से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक अपने अंदर एक एक, एक, एक नैतिक साहस, एक आत्मबल अपने अंदर एक आपको रखना होता है, क्योंकि जब हम समाज में बदलाव के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, और कुछ बुराइयों को हम समाज से दूर करना चाहते हैं, उनको अलग ले जाना चाहते हैं समाज से, तो निश्चित रूप से हमें एक नेतृत्व, जिसको हम कहते हैं कि समाज को साहस के साथ आगे हमको आने की जरूरत होती है, समाज को एक तरह का नेतृत्व, या अगर हम एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं तो हमें पत्रकारिता को एक तरह का नेतृत्व, क्योंकि दूसरे पत्रकारों के सामने भी एक आदर्श कि हम सच को सच कह पाए, कि सच की हम बात यहाँ कर रहे हैं, उस सच को पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ हम लोगों के सामने रख पाए, और समाज में उन उन गलतियों का, कमियों का, उन खामियों का, उन बुराइयों को उजागर कर पाए, जिससे कि, तो अगर आपने उसको पूरी दृढ़ता के साथ किया और आपकी नीयत साफ है, तो मुझे लगता है कि और आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर कई बार समाज आपके साथ खड़ा होता है, समाज आपको ताकत देता है, समाज आपको बल प्रदान करता है, आपको किसी और की ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पत्रकारिता में, देखिए पत्रकारिता को हम चौथा स्तंभ कहते हैं, और संविधान में हम तीन स्तंभों की बात करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और संसदीय व्यवस्था, तो विधायिका जिसको हम कहते हैं, लेकिन चौथा जो स्तंभ है वो संविधान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है कि उसको सामाजिक स्वीकार्यता है, और मुझे लगता है सामाजिक स्वीकार्यता सबसे बड़ी स्वीकार्यता होती है, जिसको समाज ने स्वीकार्यता दी है, कि जब तीनों स्तंभ कहीं ना कहीं कई बार निराश हो जाते हैं लोग, और तीनों से कहीं ना कहीं उनको वो उम्मीदें जो पूरी नहीं होती हुई दिखाई देती हैं, तो उनको लगता है चौथा स्तंभ है जो ये कुछ काम करेगा, ये इन तीनों स्तंभों को भी दुरुस्त करेगा, इन तीनों स्तंभों पर भी चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, और उस उम्मीद के साथ लोग उसके साथ जुड़ते हैं, तो समाज का जो ताकत है, समाज का जो समर्थन है, वो बहुत बड़ा समर्थन होता है, और हमें लगता है कि हमें अपनी पत्रकारिता के माध्यम से और अपने जो एक खबरें हैं और अपनी जो कार्यप्रणाली है हमारी पत्रकारिता की, उसके माध्यम से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी जो नियत है उसमें स्पष्टता ला सकें, अपनी ईमानदारी लोगों के सामने रख सकें, और अगर हम अपने काम में ईमानदार हैं, हमारा कोई उसमें भेदभाव नहीं है, हमारी नियत अगर साफ है, तो मुझे लगता है कि समाज की बहुत बड़ी ताकत आपके साथ होती है, समाज आपके साथ खड़ा होता है, और समाज कई बार आंदोलित उसके साथ हो जाता है, और जब समाज आंदोलित हो जाता है, तो फिर आपका काम केवल एक खबर लिखने से खत्म हो जाता है, और फिर समाज उस जिम्मेदारी को ले लेता है, क्योंकि वो जो बुराई है उसको हटाना, उससे लड़ना, उसको उससे टकराना, ये समाज, पूरा समाज एक साथ मिलकर आगे आके लड़ता है, तो इसलिए हमें कई बार ये देखने की भी आवश्यकता है कि क्या हम इस तरह की एक नैतिक साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और समाज को उसके लिए आंदोलित कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए रिस्क थोड़ी बहुत सब जगह होती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है रिस्क लेकर आगे बढ़िए, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क भी एक होती है, क्योंकि ठीक है समाज में असामाजिक तत्व है, देखिए इसी समाज में हम आपराधिक घटनाएं देखते हैं, इसी समाज में हम डकैती होते हुए देखते हैं, हम इसी समाज में हत्याएं होते हुए देखते हैं, इसी समाज में हम बलात्कार होते हुए देखते हैं, वो भी अपराधी किस्म के लोग हैं जो कि किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन क्या समाज ने इनसे टकराना छोड़ दिया, क्या समाज ने इनका विरोध करना छोड़ दिया, क्या कानून ने इनकी अपनी कार्रवाई करना बंद कर दी, क्या ये जेलों के पीछे नहीं है, क्या ये सजा नहीं पा रहे हैं, क्या ये दंडित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गलत गलत ही होता है, और कितना ही आप देख लीजिए, और सत्य जो है, हम एक बहुत सत्य के बारे में कहा जाता है कि सत्य जो है वो परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य विजयी अवश्य होता है, सत्य की हार नहीं हो सकती है, ये सत्य के बारे में, तो अगर आप इस तरह के सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी विजय निश्चित होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आप बिल्कुल आगे बढ़िए, और समाज और सारे जो अच्छे लोग हैं, और आज भी मेरा मानना यह है कि समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, कुछ बुरे लोगों की संख्या कम है, लेकिन वो इतने प्रभावी हैं कि अच्छे लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, या कई बार अच्छे लोगों की जो एक एक तटस्थता है, या उनका जो एक मन के अंदर ये भाव है कि हाँ ठीक है हम क्यों इन चक्करों में पड़े, इसकी वजह से कई बार वो जो गिने चुने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या गलत तरह के लोग हैं, वो कई बार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, और जो व्यक्ति लड़ाई के लिए आगे खड़ा होता है, नेतृत्व देता है, कई बार वो कमजोर होता है, लेकिन नेतृत्व के मामले में मेरा हमेशा मानना यह है कि जिस तरह से आदरणीय नाहटा जी ने कहा कि जब हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे थे तो दुनिया के लोग हंस रहे थे,
कि जो है कि ये इतना बड़ा देश कैसे लोकतंत्र को कामयाब बना सकेगा, लेकिन लोग हंसते रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग साथ में आ गए और आज वही दुनिया के लोग इस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इस लोकतंत्र के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और बड़े बड़े देशों के लोग जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो वो देखने के लिए आते हैं कि यहाँ इतने बड़े दुनिया के 130 करोड़ की आबादी के बीच में ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे अपने चुनाव आयोजित कराता है, ऐसे चुनाव जिसमें 1 करोड़ लोग तो केवल चुनाव को आयोजित कराने के लिए लगते हैं पूरे देश में जब आम चुनाव होते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए नेतृत्व में आप आगे आइए और धीरे धीरे अगर आपके नेतृत्व में नीति और नियत साफ है आपकी और आपकी ईमानदारी दिखाई दे रही है और आपका समाज के प्रति आपके हित आपके दिखाई दे रहे हैं, स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से समाज आपके साथ जुड़ेगा और आपके मदद के लिए आगे आएगा और आपको ताकत देगा और वो ताकत इतनी मजबूत ताकत होगी कि फिर दुनिया की कोई भी बुराई आपको हरा नहीं सकेगी। धन्यवाद जी। जी बहुत जरूरी आपने कही है। सच बात है कि जब हम सोशल मीडिया पर लिख रहे होते हैं तो एक आंदोलन सोशल मीडिया पर लिखने से बनता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने 2011 में अन्ना आंदोलन के समय देखा और उसके बाद फिर हमने निर्भया कांड के दौरान देखा। निर्भया कांड के बाद जब सड़कों पर लोग उतरे, उसके बाद निर्भया जब कांड हुआ उसके बाद सरकार ने कानून भी बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिखने से कुछ हो नहीं रहा, हमारे लिखने से देश में कई कानून बन रहे हैं और लगातार बनते रहेंगे। तो इस सार्थक वेबिनार मैं मान सकता हूं कि अच्छी बहस हुई, एक अच्छा आदान प्रदान। मनीष एक मिनट लूंगा मैं, मुझे अभी प्रोफेसर हेमंत जोशी जी दिखाई दे रहे थे जो IIMC के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हेमंत जोशी जी, वो अगर जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि उनको भी एक दो मिनट का मौका हम दें और उनकी बात सुने कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, वो अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं लेना चाहिए। हेमंत सर आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ आवाज आपकी आ रही है, मेरे को सुन पा रहे हैं? धन्यवाद सर, ये हमारा सौभाग्य है कि जरा आप हमारे वेबिनार में आए और हम आपको मिस कर गए सर। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो सुनने के लिए आया था इसलिए मैंने अपने को थोड़ा सा कैमोफ्लेज कर रखा था। मैं चाहता हूँ कि आप आपकी एक टिप्पणी पूरे वेबिनार पर हो जाए। हाँ कभी आप अगर मौका देंगे तो करूंगा। नाहटा साहब और उनके जो संदर्भ उन्होंने दिए फूको वगैरह, मैं तो फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति का भी पाठक हूँ तो बहुत अच्छा लगा वो बातें सब सुन के। और इस समय मुझे लगता है कि ज्यादा बातें नहीं करें, लेकिन हम जैसे मेरा एक संदर्भ था कि आपने जो शीर्षक रखा था पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ, तो ट्रुथ कभी भी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होता, ट्रुथ जो है वो इन सब चीजों से ऊपर है। तो नीचे राजनीति वाले अपना अपना सच दिखा के अपने को आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच जो है वो अपना एक ध्रुव सत्य की तरह से टिका रहता है, सत्यमेव जयते, है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है सत्यमेव जयते। तो सत्य जो है उसकी विजय होती है और सत्य जो है वो इन तमाम छोटी छोटी राजनीतियों से बहुत ऊपर है। अगर हम इसका संदर्भ ये रखते हैं कि न्यू मीडिया राजनीति और सत्य, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ कहने से हमको ऐसा लग रहा है कि ट्रुथ भी जो है वो पॉलिटिक्स में शामिल है, पॉलिटिक्स से वो परे है, पॉलिटिक्स ट्रुथ का इस्तेमाल करती है या ट्रुथ के नाम से झूठ का इस्तेमाल करती है, ये मेरा मानना है। वैसे आप लोगों ने बातें जो की उनसे मैं काफी सीख रहा था, इसीलिए मैं आया था आपके सेमिनार में। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर, आप हमारे इस आभासी मंच पे ज्वाइन हुए और जरूर जो आपने हमें टिप्पणी की है हमारे इस पूरे वेबिनार पर, हम उम्मीद करेंगे कि अगला जो समय आएगा तो हम इसे ऑफलाइन मोड में इस सेमिनार को आयोजित करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर आप हमारे अतिथि वक्ता के तौर पर जरूर उपस्थित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद अब कर सकता हूँ। आप हमारे इस मंच पर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं चल रहा हूँ। नाहटा सर ने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत सारे व्यस्तताएं होती हैं, इसके बावजूद हमने जिद की सर से, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं हम जिद कर सकते हैं, तो हमने जिद की कि सर आपको हमारे इस मंच पर आना ही होगा और हमारे प्रतिभागियों को इस त्रुथ से, जो पॉलिटिक्स का त्रुथ है, जो न्यू मीडिया का जो चलन है, इससे आप हमें मार्गदर्शित करें। और इसमें जो हमारे रोजगार निर्माण के जो एडिटर इन चीफ पुष्पेन्द्र पाल सर हैं,
इनको जैसे ही मैंने फोन किया कि सर नाटा सर हमारे बीच रहेंगे, क्या आप हम अतिथिवक्ता बनेंगे, तो तुरंत कहा कि मैं वो दौर याद करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है वो दौर सर ने याद कर लिया होगा। तो मैं इस पूरे मैं कह सकता हूँ जितने भी शिक्षक हमारे बीच में जुड़े हुए, हमारे पास जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, बहुत सारे इसमें केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के बच्चे हैं, छात्र हैं, और बहुत अलग 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 फील्ड के अलग अलग संस्थानों से और अलग अलग राज्यों से लोग हैं, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, 100 से ज़्यादा हम इसको कर नहीं सकते। इस वजह से हम फिर से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हर बार हम माफ़ी मांगते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इसे संख्या हमारी 400-500 तक हम इसे बढ़ाएंगे। आप हमारे इस मंच से जुड़े, इसके लिए हमारे प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं सर नाटा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्रपाल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी कह सकते हैं कि समय को सार्थक बना दिया, और हम जो आपके कंटेंट है, जो आपने हमें टिप्पणी की है कि सामयिक समरसता को बचाए रखने के लिए मीडिया साक्षरता की जरूरत है, हम इसको धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। और नाटा सर ने एक बहुत सही बात कही कि सोशल मीडिया से समाज को कहीं ना कहीं बदला जरूर जा सकता है, तो मुझे लगता है सर बदलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो हम युवाओं को भी यही काम करने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में हम ये काम धरातल पर करेंगे, उतारेंगे, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, और इसका जो प्रतिफल है वो आने वाले समय में आप सबको देखने को मिलेगा। जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग मंदसौर विश्वविद्यालय मंदसौर की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ में कई सारे विभागों के डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर चोरीज हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वेबिनार में, जिसकी सूचनाएं आपको हमारे वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो एक बार फिर से सर आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। फीडबैक लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही भेज दिए हैं, मेल पर आप सबको मिल गए होंगे, जिन लोगों को नहीं मिले हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पुष्पेंद्र सर आप